इनका जो घर जल गया था मैंने आपको बताया था ना, उनका भी तू है ते फुगुरा क्यों हूँ बाकी तकलीफ था ना कुछ ज्यादा तकलीफ था ना ज्यादा कोई हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल, होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपको मैं इनसे मिलाता हूँ, ये सार्थिक राणा। तो इन्होंने अपनी जो एनजीओ चला रखी है, नमस्कार कर दो एक बार नमस्कार। तो इन्होंने अपनी एक एनजीओ चला रखी है सार्थिक टीम सार्थिक के नाम से। आज हम जो है अभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो इसके रिलेटेड ही आए थे आपको। इनकी मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इनकी जो टूट चुकी है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि ये अपने ससुर की जो है अस्थियाँ लेकर हरिद्वार जा रहे थे, तो रास्ते में अम्बाला में इनका जो एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक के साथ जा भिड़ी थी गाड़ी इनकी। तो उनमें इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनका भी मतलब बैकबोन उनकी भी टूट गई है, तो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। उनके पास भी हम लोग जाकर आ गए थे लेकिन वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, हॉस्पिटल में थे। तो आज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने ये काम जो आगे और बढ़ाना है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए इसमें। जिसका जितना मन करे उतने डोनेशन कर सकता है, 1 रुपये से लेके बाकी आपकी मर्जी, जितना आपका मन करता है उतनी आप जो डोनेशन कर सकते हो। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, जगह का नाम है घोड़सिम्बा। सबसे पहले आप व्यू चेक करो, व्यू बहुत मस्त है, व्यू देखो। हम लोग जो है सिंता से आए हैं भटियात डिस्ट्रिक्ट चंबा। हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 घंटे लग गए हैं, पैदल रास्ता 2 घंटे का है। अगर बाइक वगैरह से आते हैं आप तो घूम कर आओगे, उसके बाद आपको उसके बाद भी आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। हम चल रहे हैं पैदल, अभी काफ़ी दूर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर मौसम इतना मस्त है। मेरे व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। गाइस इनकी सिचुएशन तो मतलब ख़राब है, बहुत ख़राब है, क्योंकि इनका ना पिछले साल 2022 में घर भी जल चुका था। तो आप सबकी ज़्यादा नहीं हम डिमांड कर रहे हैं, 1-1 या 10-10 रुपए भी आप लोग भेजोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए। नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, नंबर वैसे बोल भी देते हैं आपको, 6230129001। तो इस नंबर पर आप जो है मतलब जितनी आपकी श्रद्धा है, दिल से जितना, चाहे 1 रुपया करो चाहे 10 रुपए करो, बाकी आपकी मर्जी है, पर करना ज़रूर है क्योंकि हमने बहुत काम किया भी है, बहुत बंदों की हेल्प करी है। लेकिन अब ये जो हम ऑनलाइन जो है अभी करने वाले हैं, ऑनलाइन फंड रेज करने वाले हैं, तो जितनी हो सके उतनी हेल्प करना, जो भी है दिल से जितनी श्रद्धा है, 1 रुपया 2 रुपया जितने भी है, जितनी आपकी इच्छा उतने आप कर देना। इस अभी जो आपको नंबर बताया हम लोगों ने, उस नंबर पे जो नाम लिखा आएगा रिदम फाउंडेशन आएगा, अभी हम उसका नाम चेंज करेंगे, जल्दी चेंज करेंगे, अभी नहीं हम चेंज कर रहे हैं, कुछ अपना चला हुआ उसमें प्रोजेक्ट एक, तो उसको चेंज कर देंगे हम टीम सार्थिक के नाम पर। तो अभी आपको जो रिदम फाउंडेशन के नाम से शो होगा, तो वहाँ पर आप जितनी आपकी श्रद्धा वहाँ पर कर देना। 200 मीटर है, कितनी दूर है, दूर कितनी है, दूर 200 की 300। बड़ी देर से 5 मिनट नहीं हो रहे यार। गाइस बहुत देर से पैदल चले हम लोग, 2 घंटे हो गए चलते हुए, थक चुका हूँ मैं तो, अभी पानी पिया, नाडू बोलते हैं हमारे यहाँ पे जिसमें जो नेचुरल वाटर आता है, मिनरल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी देर से पैदल चले हुए हम लोग, तो ट्रैकिंग शूज़ तो पहने नहीं, नॉर्मल शूज़ पहने हुए, तो बीच में जो है मेरी पैंट के अंदर जो है जोक लीश बोलते हैं उसको, वो घुस गई हुई थी। उसने जब बाइट किया मेरे को तब लगा पता भाई अंदर कुछ घुस गया, और उसने काट लिया है, टाइम से देख ली तो उसने पूरा खून चूस लेना था। व्यू बहुत मस्त है, बड़ी देर से पैदल चले हुए हैं, देखो यार भूख लग पड़ी मेरे को। चलो हम लोग छाता भी नहीं लेकर आए, अभी बारिश लग पड़ी थी, फिर बीच रास्ते में रुक गए, घर था एक छोटा सा टपरू, टपरू के नीचे रुके हम लोग। ये देखो बिल्कुल टॉप पर है इनका घर, और दूर है, काफ़ी दूर है सिंता से। कौन सी जगह है, घोड़सिम्बा जगह नाम है, ये समोट से ऊपर को जाता है रोड, ये तला जगह नाम। बहुत देर से पैदल चले हैं, थक चुके हैं, काफ़ी दूर है घर इनका और काफ़ी हाइट पर है, लेकिन जगह बहुत प्यारी जगह है, देखो आप चेक कर सकते हो। ड्रोन लेकर आया हूँ मैं, ड्रोन उड़ाऊँगा और लेकिन वो व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगा, जगह अलग से एक्सप्लोर करूँगा। वो भूख लगी है, भूख। और कितनी दूर है घर उनका,
हम लोग ना छाता लेकर आए हैं, ना पानी की बोतल लेकर आए हैं पीने के लिए, और ना ही खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं। इसने मुझे बताया नहीं, इसने मेरे को इतना बोला था कि भाई जाना है, थोड़ा दूर है, इतना दूर है, ये नहीं बताया इसने मेरे को। तेरे को तो बच्चा मैं बदला लूँगा इस चीज़ का मैं। मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी 10-15 मिनट और लगने हैं। जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं तो जगह देख देख के ही चढ़ता जा रहा हूँ। है तो थोड़ा दूर, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है कि पहाड़ चढ़ना पड़ता है। एक्चुअली वो लोग नीचे नहीं आ सकते, अब उनको बेड रेस्ट है, बैक बोन उनकी पता आपको मतलब टूट चुकी है, तो हमें ही ऊपर जाना पड़ेगा और चल रहे हैं। ये ना छाता लेकर आया, इसने मुझे बताया ही नहीं था इतनी दूर है, इसको अकेले भेजता मैं मुझे तो भूख भी लग पड़ी है बहुत ज़ोर की। घर पे पहुंच के करते हैं कुछ, घर पहुंच के खाना खाएंगे। फाइनली हम उनके घर पहुंच चुके हैं इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद। क्या नाम है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, ना क्या ना क्या ना ना बंदा तो आप देख सकते हैं इनका जो घर जल गया था, मैंने आपको बताया था ना, सुनता भी तू है ते फुकुरा क्यों हो? पूरी लकड़ी जल चुकी है इनकी। अभी वो किसी और के घर पे रुक रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ तो मतलब किसके घर पे रुक रहे हैं अभी वो? अपने भाई, भाई के घर पे। काकड़ी बल्ली अड़ी में काकड़ी है इन्हें, देसी काकड़ी ना नहीं है आ? कुत्ता पकड़ो बोलना। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इनकी जो बीच बीच में याददाश्त भी चली जा रही है, अभी हमने बात बूत करी है, आपसे मिलवाता हूँ मैं। याद रन दे सो बोलेगा चुगर दे हम जाटा बोले गंद है, बाकी तकलीफ था ना कुछ ज्यादा, तकलीफ था ना ज्यादा कोई डर डर तो लगेगा ही, एक बार इंसिडेंट होता ना बंदे का, शॉक में चले जाता बंदा, फिर डिप्रेशन में तो फिर बंदा आपको पता ही है। तुम तो सारे तो मुड़ी शुरू है, तीन तो मुड़ी शुरू है बड़ी परेशानी खाई है, परेशानी तो बनती है जिंदा खाई ना।
इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं जी, ये इनके बड़े भाई हैं। तो बाकी का आपको ये डिटेल पाएंगे, इंसिडेंट कैसे हुआ था, तो एक्सीडेंट का बताओगे आप थोड़ा? हाँ जी, देखो जी, इनके ससुराल में जो है मतलब डेथ हो गई, तो इनके ससुर जो हैं वो 24 तारीख से पहले, कोई हफ्ता एक हफ्ता पहले जो है मतलब एक्सपायर हो गए, और 24 तारीख जो हरिद्वार जा रहे थे तो तकरीबन 2-2.5 बजे का टाइम था रात का, तो वहाँ वाड़ा में उनका एक्सीडेंट हो गया। रात को अचानक 2-3 बजे के तकरीबन मेरे को फ़ोन आया, फोन में बताया गया कि डॉक्टरों द्वारा कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और आप यहाँ चंडीगढ़ में इनका ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए हम इनको, और घर का कोई भी सदस्य के लिए के संभालने के लिए यहाँ पहुँचे। तो हम दूसरे दिन संडे था, हम वहाँ पर गए तो हमने देखा तो ये बहुत इनकी कंडीशन ख़राब उसमें थे, ये इनका पूरा ब्लड से मतलब वो था, और इनको सर में चोटें आई थी, सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई, हम भूल जा रहे हैं, काफ़ी चोट आई थी, खून बह रहा था, और 3-4 आदमी, ये 4-5 आदमी थे, इनका साला था, साली है, इनकी सास थी, तो उनको हमने देखा, उनका ट्रीटमेंट चला कुछ याददाश्त, अभी जैसे भूल जाते ना, बात कर रहे हैं दो मिनट भूल जा रहे हैं। हाँ, कभी बाकी आप ये जो पेट वाला उसका चूल्हे का उसका कूल्हे का जो है ऑपरेशन हुआ इस टाइम, और कुछ टाइम अभी चल तो नहीं पा रहे हैं, कुछ टाइम ये रोड के साइड नीचे रहे क्योंकि यहाँ थोड़े दूर दराज का क्षेत्र है, काफ़ी दूर है आपको भी देखा ना, और अभी थोड़ा इनको जो खान पान का ठीक है, अभी खाना ठीक खा रहे हैं, लेकिन चलने की इनको बहुत अभी तकलीफ है, नहीं चल पा रहे हैं। टोटल कितने लोग थे और उनको कितना मतलब नुकसान हुआ? उनमें देखो जी, 5 लोग थे, एक ड्राइवर था, और ज़्यादा जो चोटें आई हैं इनका जो साला है उसका नाम, शुभ नाम है सुरेश कुमार, और ये छोटा राम है, ये छोटे भाई हैं मेरे, इनके साले से ब्रदरिन लॉ से हम तो मिला है ना, इनकी भी हमने मतलब 10,000 की हमने उनकी जो हेल्प करी है जी, और इधर भी हमने जो है 10,000 अमाउंट इनको पे करा है जी, बहुत धन्यवाद आपका। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा हम हेल्प कर पाएंगे, ये वीडियो का मतलब मेन बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि जुड़ो जी, हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़ो और जितनी हो सके उतनी हेल्प करो। और आपको मतलब कुछ हमारे उसके बारे में बोलना चाहोगे, काम के बारे में कि ठीक है कि कैसा जी? आपका काम जो बहुत अच्छे उसमें चला क्योंकि आप देखो इतने, अब चंडीगढ़ की बात है, जी की बात करो तो चलो आदमी के आप अपने मतलब ऐसे होते हैं कि जो देखा मतलब वो निधि के आप अपने आदमी होते हैं, रिश्तेदार भी मिल जाते हैं कहीं ऐसा नहीं जी। देखो चुवाड़ी है, शिमता टांडा में भी मिल जाएगा, चुवाड़ी में देखो एक अपना आदमी मिलना एक बहुत मुश्किल बात है, और वहाँ एक हेल्प करवाना जो है एक बहुत ही आज के टाइम पे स्पेशल, आज के टाइम पे हेल्प करना बहुत मतलब बंदा टलता है, मतलब कोई नहीं पूछता है वहाँ पर, इतनी जो वो होता है मतलब समझ लो कि इतने ट्रैफिक उस स्टाफ के कोई आदमी नहीं पूछता, तो बहुत आपका धन्यवाद और आपने इनके लिए हेल्प करवाई। आगे भी आपको ना मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी एक बार कॉल कर देना अपना, और हम अपनी तरफ से जितना होगी उतना करके देंगे जी। और बाकी आपके बाकी यहाँ पर जैसे बहुत गरीब घर के जो भी मतलब बेटी होगी ना उसकी शादी वगैरह के लिए भी हम जो मतलब फंड वगैरह रेज करने के बाद हमको दे सकते हैं, तो हमने पहले बहुत मतलब शादियाँ भी करवाई हैं, जो नीडी बनता है उसकी हेल्प भी करी है, जो एक्सीडेंट वगैरह केस होते हैं उनकी भी हमने बहुत हेल्प करी है, लेकिन अब हमने अपना जो काम थोड़ा ऊपर करना, तो इस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और बाकी सपोर्ट करना, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ काम नहीं होगा, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं मतलब रिदम फाउंडेशन के साथ, मैं उन्हीं सभी उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी वजह से जो है इस परिवार की हेल्प हो सकी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये एरिया आता है यहाँ पे कोई भी बस बाइक कुछ भी नहीं आता, कोई साधन नहीं, यहाँ पे अभी भी पालकी प्रथा चली है, पालकी के द्वारा ही इनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पालकी के द्वारा ही ऊपर लाया जाता है, और 2-2.5 घंटे का रास्ता, जैसे कि हम आए अभी पालकी आपको मैं बता दूं, जिनको पालकी का नहीं पता, जैसे दुल्हन को डोली में लेकर जाते हैं वैसे हमारे यहाँ पे उस डोली को पालकी बोलते हैं, तो इन्हें भी घर पर उस पालकी में ही लेकर आए, उस डोली के अंदर ही लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब काफ़ी हाइट आपको मैंने दिखाया भी है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो
कुछ भी लेना होगा तो पहले घंटे की उतराई नीचे उतरो, फिर चढ़कर वापस आओ। तो बहुत टफ होता है ये सब करना, और बाकी जितनी हेल्प हो सके आप अपने बिहाफ से भी कर सकते हो। जो हमने नंबर बताया उस पर आप लोग जुड़ सकते हो, उस पर हमारे साथ मतलब जितनी हो सके हमारी हेल्प कर सकते हो, ताकि हम लोग जो है ऐसे मतलब परिवार की हेल्प कर सकें आगे। एक नंबर आपको मैं और बता रहा हूँ, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का है, और जो फाउंडेशन के लिए जो फंड रेज वाला जो अकाउंट है उसमें जो नंबर है वो अलग है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है वो आपको मैं बताता हूँ, बताना नंबर 8219668988। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों नंबर डाल दूंगा, जो गूगल पे फ़ोन पे वाला और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप वाला, वो नंबर भी आपको जो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम। भाई जब हम घर जा रहे थे तो ये आंटी हैं, ये भी थोड़ा मतलब इनको दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो हर 15-20 मिनट के बाद पड़ते हैं। अभी इनका घर देखो आप, अगली हेल्प हम इनकी करने वाले हैं। अभी जैसे ही फंड इकट्ठा होगा उसके बाद इनका जो है हम करेंगे। छतरी पकड़ा, हेलो, देखो कपड़े कुपड़े ऐसे ही रखे हुए इन्होंने। अच्छा तो बाथरूम वगैरह ओपन ही? अच्छा अच्छा, चलो कोई ना, मतलब आजू था ना, पर थोड़ा टाइम लगना ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करते हैं आपके लिए ना। ठीक है फिर ना।